प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर पर लिखा हुआ है 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन पोस्टर में जिस किसान की तस्वीर लगी है वो दरअसल जैसलमेर का है, जिसने दावा किया है कि उस पोस्टर में लगा फोटो उन्हीं का है जो बिना इजाजत के भाजपा ने इस्तेमाल कर लिया। किसान का कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्ज है ना ही उसकी कोई जमीन नीलाम हुई, वो 200 बीघा जमीन का मालिक है। ऐसे में अब किसान के परिजन भाजपा पर बांधाने का केस करने की बात कर रहे हैं। 70 वर्षीय किसान माधुराम जयपाल रामदेवरा क्षेत्र के रिखियों की ढाणी में परिवार संघ रहते। किसान के बेटे ने कहा कि जब ये बात सामने आई, मेरे पिताजी टेंशन में रहते हैं, मुझे बार बार पूछते हैं कि उस फोटो का क्या हुआ। भाजपा वालों से निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी की फोटो हटा दे, हमारी बदनामी इससे हो रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा ने इस बारे में कहा कि ये सभी पोस्टर स्टेट लेवल टीम से बनवाए गए। उधर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। सरकारों के कैसे से नॉन मुझे लियोड़े था ना बैंकों कहीं को कैसे सी है कैसे सी है कैसे सी लियोड़ी है टाइम और टाइम किस बीच भरो उरी जगह जगह जेब में लगा दियो फोन में लगा दियो के या पोग में लगा दियो जगह या फोन लगा नाको में लगा दियो क्या लगाया तुम्हें पोस्टर लगाया है ये ना हटाना चाहूँ बिना इज्जत लगाया पोस्टर है कहने पूछियो नहीं कोई बात नहीं मैं तो किसान आदमी और खेत में धंधो कर लिया हार लगा दिया यार पिताजी 65 साल उम्र में अनपढ़ आदमी है और पलटे जो राजनीति करनी चाहूँ और पोस्ट हटाना चाहूँ मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक और सामने आ गया जिसका पर्दाफाश हो गया झूठ का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करती है। इसी के तहत राजस्थान के किसानों का कर्जा माफी को विषय को लेकर एक झूठ झूठ फैलाया गया और 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होने का पोस्टर जो लगाया गया पूरे प्रदेश में, वो किसान जिसका पोस्टर लगाया गया है वो किसान जैसलमेर जिले के रामदेवरा ग्राम पंचायत के रिखियों की ढाणी के रहने वाले माधुराम जी जयपाल हैं। और माधुराम जी जयपाल ने हमें बताया कि उन पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, ना बैंक का कर्ज है और उनको उनका जो फोटो का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया उन्हें बिना पूछे किया गया है और वो मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।